Good morning to all of you. Dear children, today we will do the exercise of page number 117. Page number 117, chapter 15, Sahasi ki Sada Vijay. Page number 117. So, let's start. In page number 117, question number kha. Question number kha. दिए गए कथनों को कहानी के क्रमानुसार. Dear children, please switch off your mic. Please. क्रमानुसार लगाइए. अब यहाँ दिया गया है क्वेश्चन कि दिए गए कथनों को कहानी के क्रमानुसार लगाइए. क्रमानुसार का क्या अर्थ होता है? क्रम के अनुसार, मतलब कि जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ी है तो इसमें जो लाइन दी हुई है वो लाइन हम किस क्रम में रख सकते हैं, कहानी के अकॉर्डिंग हम किस क्रम में रख सकते हैं वो हमें लिखना है. तो पहले हम सेंटेंस लिख लेते हैं. नंबर वन दिया गया है, दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था. उसके बाद नंबर टू दिया हुआ है, पानी पीने के लिए बकरी और मेमना नदी की ओर चल पड़े. नंबर थ्री प्लीज समझ. नंबर थ्री, भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल ना पाया और धप से नदी में जा गिरा. नंबर फोर, देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूं. नेक्स्ट है नंबर फाइव, अब मैं
तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा। ये स्टोरी के कुछ सेंटेंस लिखे हुए, कुछ कथन लिखे हुए हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पांच सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो इसे हमें पांच नंबर के क्रम में ही लगाना है और स्टोरी के अनुसार लगाना, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी लेसन रीडिंग के टाइम पे, उसमें जो जो क्रम पहले हुआ, जो काम पहले हुआ है, उसको हमें नंबर वाइज उसको क्रम में लिखना है। जैसे कि जो भी सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, उसमें बच्चों आप देख रहे हो कि सबसे पहले जब बकरी और मेमना जंगल में चल रहे थे तो उन्हें प्यास लगती है और वे दोनों पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, नदी जाते हैं। तो जो नंबर टू में लिखा है, पानी पीने के लिए बकरी और मेमना नदी की ओर चल पड़े, तो सबसे पहले यही काम हुआ है, तो हम इसमें नंबर वन लिख देंगे। उसके बाद स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जब नदी में पानी पी करके बकरी पीछे घूमी तो उसने किसे देखा, भेड़िया को देखा। भेड़िया ने क्या कहा कि अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मतलब कि जो नंबर फाइव में लिखा है ये नंबर टू में आएगा। उसके बाद थ्री में कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने एक प्रिय दिया हुआ है, भारी भरकम शरीर को अपने संभालता है, गिर गया, एक तो विश्वास वाला दिया गया है, लेकिन जब वो गिरने के पहले जब उसको बकरी और मेमना ने बोला कि तुम्हारे मुंह में गंदा लगा हुआ है, क्या कहा कि देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। मतलब कि नंबर थ्री में आपका फोर नंबर का वाक्य आएगा। उसके बाद जब वो अपना मुंह धोने जाता है तो पीछे से क्या करती, बकरी उसे धक्का दे देती है और भारी भरकम वजनी शरीर होने की वजह से वह अपने शरीर संभाल नहीं पाता और नदी में गिर जाता है। तो नंबर फोर में आएगा नंबर थ्री। उसके बाद जब दोनों भेड़िए को गिरा देते हैं और भागकर जंगल की ओर पुनः चले आते हैं तो उसमें लिखा हुआ था स्टोरी में कि बकरी मेमने को बहुत लार दुलार से उसे सर को सहलाती है और उसे बहुत प्यार करती है। तो दोनों के चेहरों से क्या झलक रहा था, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ होता है कॉन्फिडेंस। दोनों को ये विश्वास हो गया था कि अगर हम धैर्य और साहस से काम करेंगे तो हम अपनी मुसीबत अपनी परेशानियों में भी रास्ता निकाल सकते हैं। तो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर फाइव, नंबर वन। तो इस तरह से हम कहानी के अनुसार हम इसे क्रम के अनुसार क्या करेंगे, तो पहले नंबर पे आ रहे हैं कौन सा आएगा कि पानी पीने के लिए बकरी और मेमना नदी की ओर चल पड़े। टू में कौन सा आएगा, अब मैं तुम्हें खाकर पहले अपनी भूख मिटाऊंगा। नंबर थ्री में क्या आएगा, देखो मैं मुंह धोने जा रहा हूँ। फोर में कौन सा आएगा, भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर को संभाल न पाया और धक से नदी में जा गिरा। लास्ट में कौन सा, नंबर फाइव में दोनों के चेहरों से आत्मविश्वास झलक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर ग, सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही उत्तर वाले विकल्प, डियर चिल्ड्रन प्लीज
डियर चिल्ड्रन प्लीज सही का निशान लगाइए. नंबर वन, बकरी और उसका मेमना. बकरी और उसका मेमना. डियर चिल्ड्रन प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. जंगल में क्या कर रहे थे? जंगल में क्या कर रहे थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है. नंबर वन, सो रहे थे. ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? सो रहे थे. ऑप्शन टू, खेल रहे थे. ऑप्शन थ्री, चल रहे थे. ऑप्शन फोर, घूम रहे थे. टेल मी, क्या कर रहे थे? मैन चल रहे थे. वेरी गुड, चल रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, नदी में बकरी और मेमने को क्या सूचना दी? ऑप्शन वन, भेड़िया आने वाला है. ऑप्शन टू, वर्षा होने वाली है. ऑप्शन थ्री, तूफान आने वाला है. प्लीज चिल्ड्रन, अभ्यास, स्विच ऑफ योर माइक. नंबर फोर, शिकारी आने वाला है. ना टेल मी, भेड़िया आने वाला है. यस, वेरी गुड, भेड़िया आने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, नंबर थ्री, नदी का क्या धर्म है? नदी का क्या धर्म है? ऑप्शन वन, बहते जाना. नंबर टू, प्यास बुझाना. प्यास बुझाना. नंबर थ्री, जीवों को पानी में डुबा देना. जीवों को
पानी में डुबा देना, ऑप्शन फोर लोगों को खतरे की सूचना देना, लोगों को खतरे की सूचना देना। ना टेल मी, प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। लास्ट नंबर फोर, विपत्ति से, विपत्ति से कैसे बचा जा सकता है। विपत्ति से, परेशानी से कैसे बचा जा सकता है। ऑप्शन वन, धैर्य और साहस से, धैर्य और साहस से। ऑप्शन टू, क्रोध से। ऑप्शन थ्री, ऑप्शन फोर, छिपकर। अब विपत्ति मतलब कि परेशानी, कोई भी अगर बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमें कैसे काम लेना चाहिए। धैर्य और साहस से। धैर्य और साहस से। अगर हम क्रोध करते हैं, जैसे ऑप्शन टू दिया हुआ, क्रोध करते हैं तो काम हमारा और बिगड़ सकता है, क्योंकि तो क्रोध में क्या होता है, अगर हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, सिर्फ हमारा ध्यान फोकस कहाँ जाता है, क्रोध पर, गुस्से पर। तो इसलिए कभी भी कोई मुसीबत आए तो हमें गुस्सा नहीं करना है, धैर्य रखना है, गंभीर बनना है। नंबर थ्री दिया हुआ, डर कर, डर जाएंगे अगर हम तो भी हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम कुछ सोच नहीं पाएंगे, डरते अरे भेड़िया 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 ऐसी डरते रह जाते। बकरी अगर डर जाती तो क्या करती, भेड़िया आ रहा है डरो, बकरी भी डर जाती, मेमना भी डरता, तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते, उसका जो दिमाग था वो काम नहीं करता, जिससे वो लोग कर सकते थे। नेक्स्ट, छिप कर, अगर वो छिपने भी जाते तो कहाँ जाते छिपने, छिप भी नहीं सकते थे। तो हमेशा हमें विपत्ति से कैसे बचना है, धैर्य और साहस के साथ बचना है। नाउ हैव यू कंप्लीटेड, थैंक यू बेटा, बाय बाय।